बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी तक ना तो एनडीए और ना ही महागठबंधन के सीट बंटवारे को लेकर कोई सहमति बन पाई है। वहीं इस क्रम में आज एनडीए के शीर्ष नेताओं की दिल्ली में बैठक बुलाई गई है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि एनडीए की इस बैठक में सीटों का फॉर्मूला तय हो सकता है, साथ ही बंटवारे पर भी मुहर लग सकती है। वहीं इस बीच गठबंधन के तीसरे घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान को मनाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। सूत्रों से मिली जानकारी की माने तो एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों को लेकर फैसला हो चुका है और इस पर केवल औपचारिक मुहर लगनी बाकी है, लेकिन एनडीए में अभी एलजेपी को लेकर पेंच फंसा हुआ है। चिराग पासवान पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली 42 सीटों से कम पर राजी नहीं दिख रहे हैं और एनडीए में बात ना बनने पर 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर रखी है। वहीं सूत्र बताते हैं कि बीजेपी ने एलजेपी को विधानसभा की 27 तथा विधान परिषद की 2 सीटें देने की पेशकश की है, साथ ही राज्यसभा की एक और सीट का भी ऑफर किया है। चिराग पासवान को मनाने की कोशिशें लगातार जारी हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी कई दौर की बातचीत हो चुकी है। वहीं इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और संगठन प्रभारी नागेंद्र दिल्ली पहुंच चुके हैं और सुशील मोदी, मंगल पांडे भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। इधर जेडीयू के खेमे से टिकट बंटवारे पर बातचीत के लिए सांसद लल्लन सिंह भी दिल्ली में होंगे। मालूम हो कि एलजेपी के सारे नेता पहले ही दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। अब उम्मीद है कि आज दोपहर तक चिराग भी अपना फैसला पार्टी के नेताओं को सुनाएंगे, उसके बाद एनडीए सीटों के बंटवारे को लेकर ऐलान कर सकती है।